Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए. जल्दी से लाइव आ जाइए, आपकी क्लास का टाइम हो चुका है, जल्दी से लाइव आइए. दो मिनट और वेट करेंगे, देन वी विल स्टार्ट. जल्दी से तब तक लाइव आइए आप सब. गुड आफ्टरनून मीतू, गुड आफ्टरनून मीतू. जल्दी से एक बार शेयर कर दो ताकि सब लोग आ जाएं जिनको नहीं पता चल पाया है कि क्लास स्टार्ट हो गई है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मीतू, नॉर्मल वेदर है, ऐसा कुछ नहीं है. एक बार सबको जगा दो, जरा आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है. फ्लावर का पार्ट टू हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, तो टाइम मत खराब करो, जल्द से जल्द सबको बुलाओ ताकि क्लास स्टार्ट की जाए. अभी 2 ही मिनट हुआ है तो वेट कर लेते हैं, मे बी सब आ रहे हूँ. मैं तो कल की क्लास में कोई डाउट था, यस कोई डाउट था बेटा? ओके फाइन. रात वाली क्लास में भी कोई डाउट नहीं था, ठीक है, सब क्लियर था ना? माइटोसिस मियोसिस कोई प्रॉब्लम हो बच्चा तो पूछ सकती हूँ. अच्छा, उस क्लास को दोबारा से देख लेना, ठीक है, रात वाली क्लास को एक बार फिर से देख लेना. इज इट क्लियर? अरे इट्स ओके, डोंट बी सॉरी मी, तो तुम बस देख लेना उसको एक बार, ठीक है, ताकि कोई डाउट हो तो तुम पूछ सको. फाइन, ओके बेटा. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग बीच में ज्वाइन करते रहेंगे, ठीक है, ताकि हमारा लेट ना हो क्योंकि ऑलरेडी 12:05 हो चुका है. आ रहे होंगे सानिया वानिया, सब लोग अभी आ रही होंगी. देखो सानिया का नाम लिया, सानिया आ गई. हेलो सानिया, गुड आफ्टरनून. ओके चलो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ताकि हम लोग अपने फ्लावर के सेकंड पार्ट को भी कंप्लीट करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? बिल्कुल. चलो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. चलो स्टार्ट करते हैं, अपनी कॉपी पेन सब निकाल लो ताकि लिखते चलो, और कोई डाउट हो तो पूछते चलना, ठीक है?
कोई डाउट हो तो पूछते चलना। चलो, अनअकैडमी के क्रैक महाराष्ट्र सीईटी चैनल पे आप सबका स्वागत है। और दिस चैनल इज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर महाराष्ट्र सीईटी एग्ज़ाम। और आप सबको पता है कि इस चैनल पे डेली लाइव क्लासेस चलती हैं मंडे टू संडे, मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। तो यानी कि जो बच्चे पीसीएम से हैं और जो बच्चे पीसीबी से हैं, दोनों बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैनल है। तो सबसे पहले बच्चा लोग जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि यहाँ पे हर दिन क्लास चलती है, डेली लाइव क्लासेस चलती हैं मंडे टू संडे, डेली तैयारी कराई जाती है, किसी भी दिन कोई भी दिन आपका खाली नहीं जाएगा। तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और ये मेरे बारे में छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन, आपको अपने एजुकेटर का नेम पता होना चाहिए। मेरा नाम सतप्रीत कौर शर्मा है, मुझे 4+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और मेरा कोर ब्रांच, जो मेरी कोर ब्रांच है वो बॉटनी है, ठीक है। यस सानिया, मीतू, अब थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। यस, अगर आप महाराष्ट्र सीईटी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़िए, जो है अनअकैडमी। वैसे आप लोगों को बच्चों पता होगा, आज अनअकैडमी ने 5 साल पूरे कर लिए हैं, 5 ईयर्स, पता है आप लोगों को अनअकैडमी को आज 5 साल हो गए हैं, तो आज उसकी हैप्पी एनिवर्सरी है, ठीक है। सो महाराष्ट्र सीईटी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जल्द से जल्द अनअकैडमी से जुड़िए, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। सब्सक्रिप्शन लेने के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। तो जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, 1, 2, 3 नहीं, ना जाने कितनी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड होंगी अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड कोर्सेस मिलेंगे, ठीक है, और आपको असेसमेंट्स होंगे आपके, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो जल्द से जल्द इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए। और बच्चा लोग, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जिन भी बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो बहुत ही गलत है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ये ऐप डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद ही आप एक्सेस कर सकते हो। लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाइए, जैसे नॉर्मली हम सारी ऐप डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर लिखिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, आपको ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल का, आप इंस्टॉल करिए। और इंस्टॉल करने के बाद जब आपके में डाउनलोड हो जाए वो ऐप, तो उसको खोलिए। और फिर आप क्या करोगे, आपको पता है, आप अपना गोल सिलेक्ट करोगे, दैट इज़ योर एमएसटी सीईटी 2021। फिर वहाँ पे आपको आपके एजुकेटर्स दिखने लगेंगे, मेरी भी लाइव क्लासेस, स्पेशल क्लासेस आपको दिखने लगेंगी। यानी मेरी जो स्पेशल क्लास है वो भी रात में 9:30 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे चलती है। तो ऐप पर भी आपके एजुकेटर्स की स्पेशल क्लासेस चलती हैं, हर सारी क्लासेस के लिए, लाइक बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सारी क्लासेस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी चलती हैं। तो जल्द से जल्द इसको डाउनलोड कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर आपने टेलीग्राम अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो बच्चों प्लीज़ टेलीग्राम जल्द से जल्द डाउनलोड कर लो, क्योंकि आपको पता होगा टेलीग्राम डाउनलोड करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इस चैनल से जुड़ जाओगे टेलीग्राम पे भी, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे भी मिलती रहेगी। सपोज आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आता है तो एटलीस्ट आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम करने डाउनलोड करने के लिए भी सेम प्रोसेस है जो आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के लिए किया। टेलीग्राम को सबसे पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन करिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। देन उसके बाद से आप ये लिंक जो आप अपनी आंखों के सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्रैक महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम, इसको आप टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन पे लिखिए। आप जैसे ही इस URL को टाइप करेंगे वैसे ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ज्वाइन का, आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि आपको सारे नोटिफिकेशन, अपकमिंग डिटेल्स, सब कुछ चैनल पे प्रोवाइड होगी।
ये आपका सब्सक्रिप्शन प्लान है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए प्लान को। प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको दिख रही है वो ये दिख रही है कि पर मंथ का, पहले तो आप देखिए आपके पास सब्सक्रिप्शन 1 मंथ का भी है, 3 मंथ का भी है, 6 मंथ का भी है एंड 12 एंड 24 मंथ का भी है। बेसिकली दोस्तों आर प्रिपेयरिंग फॉर महाराष्ट्र CET, दोस्तों आर इन क्लास 12th, आपके लिए जो प्रेफरेबल रहेगा वो 12 और 24 मंथ का रहेगा, ठीक है। राइट, जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपके सामने सारे चार्जेस लिखे हुए हैं। बच्चों इसको इस मंथ ही लेके ख़त्म करिए क्योंकि अगले मंथ 15% इसके प्राइस बढ़ सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको कोड लगाना अपने एजुकेटर का नहीं भूलना है, क्योंकि जब आप कोड लगाएंगे देन ओनली यू विल गेट 10% ऑफ, ठीक है। तो आपको कोड लगाने पे 10% की छूट भी मिलेगी। तो कोड लगाते वक्त ये सब्सक्रिप्शन लेते वक्त ये ध्यान रखिए कि कोड लगाना ज़रूरी है, तभी 10% ऑफ मिलेगा। देन आपको प्रोसीड टू पे करना है, तो आप पेमेंट किसी के थ्रू भी कर सकते हो, क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। बस इतनी सी डिटेल है जो कि ज़रूरी है जानने के लिए इनिशियली। अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है फ्लावर पार्ट्स। कल हमने फ्लावर के बारे में जाना था, फ्लावर के 2 पार्ट के बारे में हमने कल पढ़ा था, राइट। हेलो गीता, हेलो सानिया, हेलो मीतू, वेयर इज स्तुति नाउ, आ जाएगी आ जाएगी। चलो अब हम फ्लावर पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों तुम लोगों को पता है कल हम लोगों ने फ्लावर के 2 पार्ट पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे, कौन बताएगा मुझे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कल हम लोगों ने फ्लावर के कौन से 2 पार्ट पढ़े थे। फ्लावर के कितने मेन पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, है ना। कल हम लोगों ने 2 पढ़े थे और आगे के 2 हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बॉटनी का पार्ट है, एंजियोस्पर्म में आता है, फ्लावरिंग कैटेगरी है। हमें पता है जो हमारा प्लांटी है दैट इज डिवाइडेड इनटू 5 सब कैटेगरी, राइट। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। आपको इसको इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसको याद रखना है, इसको आगे पीछे नहीं करना है, क्योंकि प्रिमिटिव से एडवांस हुई है चीज़ें। जैसे थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर बंडल नहीं देखे गए थे, आपको भी पता है, बट टेरिडोफाइटा से वैस्कुलर बंडल दिखना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों डेवलप हो चुके थे, ठीक है, क्लियर है। तो हम ये जो पढ़ रहे हैं ये हम एंजियोस्पर्मिक कैटेगरी को पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्मिक, ठीक है। यानी जितने एंजियोस्पर्म हैं, जितने फ्लावर हैं, ठीक है, जितने हम अपने अगल बगल फ्लावर्स देखते हैं, वो सारे जो प्लांट हैं फ्लावर वाले, वो सब एंजियोस्पर्मिक कहलाते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्मिक पे सेक्स ऑर्गन डेवलप्ड होते हैं, यानी मेल फीमेल प्रॉपर तरीके से डेवलप्ड होता है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन भी होगा, ट्रिपल फ्यूजन भी होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा, पॉलिनेशन होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। कंप्लीट कैटेगरी मानी जाती है एंजियोस्पर्म। इज इट क्लियर एवरीवन, जल्दी से बताओ, क्लियर है तो आगे बढ़े, जल्दी से बता दो, क्लियर है, यस। गीता क्लियर है बेटा, ठीक है। तो हमेशा एक नंबर का तो ये प्रश्न आता ही आता है, और ध्यान रखना दिमाग में, अगर आपसे कोई पूछता है फ्लावरिंग प्लांट किस कैटेगरी में आते हैं, प्लांटेई की, तो आपके दिमाग में हमेशा क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म ही वो कैटेगरी है जिसके अंदर हम सारे फ्लावर्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो ये देखिए, अब आपकी आंखों के सामने एक बहुत ही सुंदर सा फ्लावर दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा, यस। आप देख सकते हो ये फ्लावर जो है इसके पास सारे पार्ट्स हैं, राइट। आप देखो इसके पास सारे पार्ट हैं, कोई भी पार्ट मिसिंग नहीं है। जैसा कि हमें पता है हमारे फ्लावर के पास 4 मेन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, सेपल, पेटल, स्टेमिन एंड कार्पल, या वी कैन से कैलिक्स, कोरोला, इंड्रूशियम एंड गाइनोशियम, किसी भी नाम से पुकार सकते हो, किसी भी नाम से एग्जाम में भी आ सकता है, तो फिर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तुम एक फ्लावर को देख रहे हो, अब इस फ्लावर को देखो, फ्लावर में देखो काफ़ी चीज़ें होती हैं। जो मेन पार्ट होता है हमारे फ्लावर का, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। यानी मेल ऑर्गन तुम्हारा क्या कहलाएगा, ये वाला, ये क्या है, एंड्रोशियम है, ठीक है। और ये जो बीच वाला मेन सेंट्रल पार्ट है डैट इज योर गाइनोशियम, ठीक है।
गाइनोशियम आपका फीमेल हो गया, गाइनी, हम लोग गाइनी बुलाते हैं ना फीमेल डॉक्टर्स को भी, तो गाइनोशियम जो वर्ड है वो भी फीमेल को रिलेट करेगा, एंड्रोशियम मेल को करेगा, ठीक है। अब हम अलग अलग देखेंगे कि मेल के पार्ट को क्या बोलते हैं, यानी एक मेल का पार्ट किससे मिलकर बनता है, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट क्या करता है, बेसिकली एंथर को सपोर्ट देता है। अगर मैं बात करूँ फीमेल की, तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तो फीमेल तीन से मिलकर बनती है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। आपको पता है फीमेल का स्टिग्मा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्या रोल प्ले करता है, कौन बताएगा मुझे, व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ स्टिग्मा, स्टिग्मा का फंक्शन क्या होगा, सोचो और बताओ मुझे, स्टिग्मा क्यों इंपॉर्टेंट है, फीमेल का स्टिग्मा क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो फीमेल के तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और फीमेल का स्टिग्मा और ओवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टाइल उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टाइल क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा लोग तुम लोग को पता है स्टाइल इज जस्ट अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी, राइट। तो ये कुछ नहीं कर रही है, कुछ यहाँ होगा ही नहीं, जो मेन गेम है वो स्टिग्मा पे होगा, ठीक है। वेरी गुड गीता, स्टिग्मा जो है पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। वेरी गुड सानिया, रिसीविंग सरफेस फॉर पॉलन, वेरी गुड, ठीक है। तो यानी आप लोगों को पता है स्टिग्मा जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, हमारे पॉलन ग्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी मेल का पॉलन ग्रेन आ रहा है वो सब स्टिग्मा पे ही स्टिक होगा, फिर वहां से पॉलन ट्यूब लीड करेगी और एग से फ्यूज होगी, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो इतना हमें क्लियर है, इस डायग्राम से हमें ये क्लियर हो चुका है कि दिस इज योर कंप्लीट फ्लावर, है ना। यानी अ कंप्लीट फ्लावर इज वन विच कंटेन्स ऑल फोर फ्लोरल स्ट्रक्चर, यानी कैलिक्स भी होगा, कोरोला भी होगा, एंड्रोशियम भी होगा, गाइनोशियम भी होगा, ठीक है। एंड यस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ वन और मोर सेट्स ऑफ फ्लोरल स्ट्रक्चर्स आर मिसिंग देन द फ्लावर इज सेट टू बी इनकम्प्लीट और वी कैन से इम्परफेक्ट, ठीक है। अगर एक भी एबसेंट है फ्लावर का पार्ट, तो वो फ्लावर किसी भी कीमत पे कंप्लीट फ्लावर नहीं कहलाएगा, वो हमेशा इनकम्प्लीट कहलाएगा, इम्परफेक्ट कहलाएगा, फाइन। सो कल हमने पढ़ा था कैलिक्स के बारे में, कैलिक्स का जो कैलिक्स जो होती है बेसिकली इट कंसिस्ट अ यूनिट ऑफ सेपल्स, एंड वी नो दिस थिंग दैट कैलिक्स यूजुअली ग्रीन इन कलर, और व्हेन कैलिक्स इज ग्रीन इन कलर तो हम इसको क्या बुलाते हैं, सेपिलॉइड, ठीक है, सेपिलॉइड बुलाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये देखा गया है कि जो कैलिक्स होता है वो ग्रीन ना होकर नॉन ग्रीन, यानी किसी भी कलर का हो सकता है, ठीक है। अगर वो किसी भी कलर का है तो ये बहुत ही अंडरस्टूड वाली चीज़ है, यानी वो पेटल के, पेटल का बिहेव, पेटल की तरह बिहेव करेगा ना, पेटल जैसे कलर्ड होते हैं वैसे कैलिक्स भी कलर्ड होंगे, तो हम क्या बुलाएंगे, अगर हमारा कैलिक्स ग्रीन ना होके नॉन ग्रीन है तो हम उसे बुलाएंगे पेटेलॉइड, क्लियर है इतना, सेपिलॉइड पेटेलॉइड क्लियर है, जल्दी से बोलो हाँ तो आगे बढ़े। अगर आपसे कोई पूछता है सेपिलॉइड और पेटेलॉइड, आई गेस बिल्कुल क्लियर है। हेलो मीनू, वेलकम हेयर, मीनू यू आर न्यू हेयर, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल बेटा। चलो जल्दी से, सेपिलॉइड एंड पेटेलॉइड जल्दी से बताओ, क्लियर है। सेपिलॉइड नाम से पता है कि आपके सेपल ग्रीन कलर के होंगे, पेटेलॉइड यानी कि आपके सेपल ग्रीन ना होके किसी भी कलर के हो सकते हैं, क्योंकि पेटल हमारे किसी भी कलर के होते हैं, ठीक है। और कैलिक्स जो होता है वो बेसिकली नॉन एसेंशियल पार्ट होता है, ठीक है। और क्योंकि हमारा जो फ्लावर है, बात को समझो बच्चों, जो फ्लावर है, फ्लावर में कुछ पार्ट एसेंशियल है, कुछ पार्ट नॉन एसेंशियल है। तो नॉन एसेंशियल में तुम्हारा कैलिक्स एंड कोरोला आएगा, और एसेंशियल में तुम्हारे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन आएंगे, ठीक है, क्योंकि सेक्स ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, फाइन। अब हमें पता है जो कैलिक्स होता है वो बेसिकली क्या करता है, वो हेल्प करता है आपका क्या करने में, प्रोटेक्शन देने में। जब आपकी जो छोटी सी कली होती है, जब फूल फूल बना नहीं होता, कली होती है, तो वो कली देखो एक कहते ना, एक कवरिंग में कवर्ड होती है, ग्रीन कलर की कवरिंग होती है। आप सबने देखा है, गुलाब की कली की बात करें, रोज बड की बात करो, तो आपने देखा है वो एक कली में बंद होती है ग्रीन कलर के पार्ट में, ठीक है। तो दैट ग्रीन इज योर कैलिक्स। तो कैलिक्स क्या करेगा, बेसिकली क्या करता है, प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन द बड स्टेज, ठीक है। एंड बींग ग्रीन, क्योंकि कैलिक्स ग्रीन कलर का होता है, तो इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर फूड बाई फोटोसिंथेसिस, ओके क्लियर है।
आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो चीज़ ग्रीन है ऑटोमेटिकली बहुत ही अंडरस्टूड है, बायो के बच्चे हो तुम लोग को पता है कि वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा, कोई डाउट नहीं है उसमें, ठीक है। चलो, कैलिक्स जो है वो दो टाइप की कंडीशन देखी गई है, गैमोसेपेलस पॉलीसेपेलस। बच्चों, मैंने तुम लोग को याद करने का तरीका बताया था, है ना, याद करने का तरीका बताया था। गैमो, गैमो मतलब गम, गम मतलब सैडनेस की बात नहीं हो रही है, सैडनेस की बात नहीं हो रही है। गम को हिंदी में चिपकाना, ग्लू बोलते हैं, ग्लू या फेविकॉल या जो भी कह लो, ठीक है। तो गम मतलब चिपकना। तो यानी जब हमारे, अब शब्द को तोड़ो, बायो तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगी जब तुम शब्दों को तोड़ोगे। शब्द लिखा है गैमो सेपेलस, तोड़ दो शब्द को, गम हो गया, सेपल हो गया, यानी जब आपके सेपल आपस में चिपके होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैमो सेपेलस। पॉली सेपेलस, वैसे तो जनरल टर्म में इंग्लिश पॉली मतलब होता है बहुत सारे, है ना, बट यहाँ पे पॉली का मतलब है अलग अलग, ठीक है। तो पॉली सेपेलस जो सेपल होंगे वो अलग अलग होंगे, फ्री होंगे। कहने का मतलब ये है, जब आप किसी फ्लावर को पकड़ते हो, ठीक है, आपने कोई फ्लावर लिया और आपने सपोज उसका पेटल तोड़ना स्टार्ट किया, ठीक है, आपने रोज लिया, आपने रोज की एक पेटल तोड़ी, तो जरूरी नहीं है एक ही टूटे। रोज आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि उसके जो पेटल्स हैं वो फ्यूज्ड हैं, आपस में चिपके हुए हैं। जब आप एक पेटल तोड़ोगे तो तीन चार धर 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 गिरेंगे, समझ रहे हो कहने का मतलब। तो वो कैसा हुआ, वो पेटल गैमो वाला हुआ, गैमो गम, ठीक है। और कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं सदाबहार की, सदाबहार सबने देखा होगा, या कैथरिंथस रोजेस कह लो। तो तुम लोग उसमें देखोगे, जब हम एक पेटल को तोड़ेंगे तो जो पेटल हमने तोड़ी है बस वही टूटेगी, बाकी सब एज इट इज लगी रहेगी, ठीक है। तो डैट मीन्स वहां पे क्या है, वहां के पेटल्स फ्री हैं, आपस में फ्यूज नहीं है। इज इट क्लियर, जल्दी से बताओ, इज इट क्लियर, वेरी गुड। सो ये भी तुम लोग को पता है, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करेगा, ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कोरोला, कोरोला सेकेंड पार्ट है, अगेन दिस इज ऑल्सो नॉन एसेंशियल पार्ट, नॉन एसेंशियल है, ठीक है। एंड इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है पॉलिनेशन में, क्योंकि कोरोला है एक तरीके से फ्लावर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जितना लार्ज होगा, शोई होगा, सुंदर होगा, खुशबूदार होगा, उतना इसकी तरफ इंसेक्ट आएंगे, है ना, और इंसेक्ट आएंगे तो पॉलिनेशन होगा। तो यानी बेसिकली क्या है कि कोरोला इज जनरली लार्ज शोई एंड इट विल अज्यूम वेरियस शेप्स अडॉप्टेड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड इट विल ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन, ठीक है। तो इसके फंक्शन क्या है, ये पॉलिनेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। और ये कैलिक्स के साथ आपके जो अंदर के नाजुक पार्ट्स हैं, यानी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के, उसको प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन भी देता है, क्लियर है। तो इट विल प्रोटेक्ट द इनर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। एसेंशियल पार्ट्स कौन से हो गए, मेल फीमेल, हमें पता है मेल फीमेल सेंटर पार्ट है, फीमेल सेंटर पार्ट है, वो फ्लावर के एकदम बीच में है और वो किससे घिरी हुई है, कोरोला से घिरी हुई है। तो कोरोला उसको क्या कर रहा है, एक तरीके का प्रोटेक्शन दे रहा है। इज इट क्लियर, जल्दी से बताओ बच्चों, क्लियर है तो आगे बढ़े, जल्दी बताओ। सानिया क्लियर है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब बात करते हैं हम एंड्रूशियम की। एंड्रूशियम जो होता है वो हमारा मेल पार्ट है, ठीक है। मेल फीमेल के बारे में बहुत अच्छे से जानो, पूरी कहानी यहीं से चालू होती है, ठीक है। कैलिक्स कोरोला से वैसे भी एग्जाम में बहुत कम आता है, लेकिन इससे आता है। तो ये तुम्हारा मेल पार्ट है, मेल कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, दिस इज योर मेल सिंबल, ठीक है। ये सिंबल है मेल का, काफ़ी जगह आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये काफ़ी मतलब कह सकते हैं हर जगह दिखता है ये सिंबल, कपड़ों में भी बना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, आपको पता है ये कोरोला के अंदर है, मतलब कोरोला बाहर साइड है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट अंदर है। एंड्रूशियम जो होता है बेसिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ स्टेमिन, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं। अब गुड़हल को देखो, हिबिस्कस को देखो, हिबिस्कस में कितने लाइन से एंड्रूशियम है, ठीक
ठीक है। और हर एक का अपना एक क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक तरीके का लोकेशन होता है कि किस तरीके से ये सिचुएटेड है, ठीक है। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, हर फ्लावर में डिफरेंट तरीके से एंड्रूशियम सिचुएटेड है, ठीक है। तो आपको पता है जो एक हम बात करें एंड्रूशियम की, तो वो ऐसा दिखता है, मैं डायग्राम बना रही हूँ आप देख लो। हमें पता है एंथर जो है वो बाइलोब्ड होता है, ठीक है। एंथर बाइलोब्ड है, बाइलोब मतलब बाय फॉर टू, यूनि फॉर वन, ट्राई फॉर तीन, टेट्रा फॉर फोर, पेंटा फॉर फाइव, ठीक है। तो बाइलोब्ड है मतलब दो लोब होंगे, ठीक है। एंड्रूशियम के पास दो लोब हैं जो किससे मिलकर बनते हैं, एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। तो फिलामेंट बेसिकली क्या करेगा, इट विल गिव सपोर्ट टू द एंथर, ठीक है। तो एंथर यूजुअली टू लोब्ड होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लिखते चलो आपको काम आएंगे, ये टू लोब्ड होंगे, ठीक है। ईच लोब हैज टू पॉलन सैक, ठीक है, टू पॉलन सैक है। और पॉलन सैक के अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन है, क्योंकि बेसिकली मेन चीज जो है, जो आपका डस्टी पार्टिकल्स है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो ये पॉलन ग्रेन ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। सो पॉलन ग्रेन्स कैसे हैं, पाउडरी पार्टिकल्स होंगे, डिफरेंट शेप के होते हैं। पॉलन ग्रेन का भी स्ट्रक्चर होता है, पॉलन ग्रेन के पास टू कोट्स हैं, टू कोट्स बोले तो टू मेम्ब्रेन, ठीक है। एक होती है एग्जाइन, एक होती है इंटाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी पहचानने को आ जाता है कि एग्जाइन और इंटाइन लेयर किस में है, कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी जो एग्जाइन और इंटाइन लेयर है वो पॉलन ग्रेन में है, ठीक है, फाइन। अब देखो फिलामेंट कैसा होता है, इट कैन, इट मे बी फ्री फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एंड दे मे बी फ्यूज्ड, कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो तो ये बहुत अच्छे से देखो तुम लोग को क्लियर हो रहा है, ये एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, कितना सुंदर सा बना हुआ है, यू कैन सी हियर, जस्ट अ मिनट आई कैन शो यू। देखो यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन का सेक्शन है। इसमें तुम बीच में देखो क्या देख रहे हो, वेजिटेटिव न्यूक्लियस देख रहे हो, ठीक है, इनर कोट देख रहे हो, आउटर कोट देख रहे हो। देखो बच्चों बायो में कोट, इंटेग्यूमेंट, मेम्ब्रेन, ये सब सिनोनिम है, यानी ये सब जो है ये एक ही मतलब है, समझ में आ रहा है। हम किसकी बात करें, कवरिंग की बात करें। इफ आई एम सेइंग कि एपिडर्मिस हमारी आउटर कोटिंग है, तो कोटिंग मतलब मेम्ब्रेन, ठीक है, कोटिंग होता है किसी चीज की, इसको हिंदी में बोलते हैं आवरण, आवरण, ठीक है, हिंदी में आवरण बोलते हैं, आवरण मतलब कवरिंग, ठीक है, इज इट क्लियर। सो टाइप्स ऑफ इंट्रूशियम, नाउ यू कैन सी हेयर अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द फिलामेंट, एंड्रूशियम भी कई टाइप के होते हैं, ठीक है, कई टाइप के होते हैं, हो सकता है डाई डायनेमिस हो, टेट्रा डायनेमिस हो। डाई डायनेमिस मतलब क्या हुआ, दो छोटे और दो बड़े स्टेमिन। टेट्रा डायनेमिस क्या हुआ, टेट्रा मतलब होता है फोर, दैट मीन्स फोर लॉन्ग एंड टू शॉर्ट स्टेमिन। तो अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द फिलामेंट कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, हर फ्लावर में तुम लोग को अलग अलग दिखेंगे। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेमिन, अब देखो नंबर ऑफ स्टेमिन की बात करें तो यस, कितने भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स, मोनो भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है, पॉली भी हो सकता है, एक स्टेमिन भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और बहुत सारे भी हो सकते हैं, न्यूमरस, राइट, कितने भी हो सकते हैं, इज इट क्लियर। जहां पे भी कोई डाउट हो, रामायण नहीं सुन रहे हो तुम लोग, पूछ लेना, ठीक है, अभी तक कोई डाउट है जल्दी से पूछो, कोई डाउट है, नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम और गाइनोशियम, ओके सानिया, वेरी गुड। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो चार पार्ट हैं हमारे फ्लावर के, ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि सब में सेम होंगे, समझ रहे हो कहने का मतलब। कैलिक्स हो सकता है पांच हो, छह हो, पेटल हो सकता है सात हो, आठ हो, नौ हो, दस हो, डिपेंड करता है फ्लावर के ऊपर। रोज के पेटल की बात करोगे तो कितने होंगे, तेरह चौदह पंद्रह तो होंगे ही कम से कम, लेकिन और अगर हम किसी की फ्लावर की बात करें तो मतलब कोरोला की संख्या बदल सकती है, कोई भी चीज डेफिनेट नहीं है, बात को समझो, ठीक है, कितनी भी हो सकती है। ये आपने तब पढ़ाई की होगी जब आपने फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ा होगा, फ्लोरल डायग्राम पढ़ा होगा, याद आ रहा है, एंजियोस्पर्म में जब आपने लिली एसी, फेबी एसी, यू फॉर बी एसी, कुकुरबिटेसी और ना जाने क्या क्या पढ़ा होगा,
ठीक है, जब आपने सारी फैमिलीज के बारे में पढ़ा है, पोएसी, सोलेनेसी, कुकरबिटेसी, यूफोरबिएसी, मुझे तो नाम भी बहुत ज़्यादा नहीं याद आ रहा है, लिलीएसी, तो ये जितनी फैमिलीज हैं इसमें आपने फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम पढ़ा है, राइट? याद आ रहा है कुछ अपना टाइम कि ऐसा भी कुछ पढ़ा था टैक्सोनॉमी में जो कि बहुत ही डेंजरस था? सबसे ज़्यादा बच्चे इसी टॉपिक से डरते हैं, सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें आपको हर एक, मतलब इतनी बड़ी कहानी है, मटर का अलग याद करो, कद्दू का अलग याद करो, लौकी का अलग याद करो, अब मटर में कितना कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, कद्दू में कितना, लौकी में कितना, लिली में कितना, जैस्मिन में कितना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, समझ रहे हो कहने का मतलब, रोज़ में कितना। तो ये सबसे बड़ी सरदर्दी थी सबका याद करना कि किस में कितना कैलिक्स है। फिर हम लोग फ्लोरल फार्मूला लिखते थे, याद है, C5, कोरोला को के से दिखाते थे, कोरोला दिखाते थे, एंड्रोशियम दिखाते थे, गाइनोशियम दिखाते थे, गाइनोशियम की लोकेशन दिखाते थे कि वो सुपीरियर होगी, इन्फीरियर होगी कि हाफ इन्फीरियर होगी। ये चीज़ें याद आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, बस ये बताओ, ताकि मुझे पता चले तुम लोग जग रहे हो कि सो रहे हो, बताओ जल्दी से। हाँ सानिया, वेरी गुड, हाँ मीतू, तो याद आया होगा। सबसे ज़्यादा जो खतरनाक था, मुझे भी अपने टाइम पे सबसे खतरनाक अगर कुछ लगता था वो टैक्सोनॉमी लगती थी, ठीक है, क्योंकि उसमें याद करने का बहुत झमेला था, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बार फैमिली को समझ लोगे, क्योंकि बहुत फैमिलीज हैं, ठीक है, अब थोड़ा सा उसमें चूज़ करना पड़ता है कि कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं, बट कुछ ऐसी फैमिलीज है जिसको पढ़े बिना तो काम चलेगा ही नहीं, ठीक है, सोलेनेसी, पोएसी और ये तुम्हारा यू फॉर बीएसी, तो ये सब फैमिलीज बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसको पढ़ना ही पड़ा था, ठीक है। तो जब आप एक बार समझ लोगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्लोरल फॉर्मूला से डायग्राम कैसे बनेगा। पहले तो बच्चों को यही नहीं समझ में आता, फिर बच्चों को जब ये समझ में आता है तो बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो भैया फ्लोरल डायग्राम तो फ्लोरल फार्मूला के ऊपर ही बना है, जैसा फ्लोरल फार्मूला लिखोगे वही उठा के फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ कर देना है, समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी टॉपिक। नाउ फॉर्म्स ऑफ फ्यूजन ऑफ स्टेमिन। अब देखो फ्यूजन की बात करते हैं, फ्यूज की बात करते हैं, किस तरीके से होती है, मोनो होती है, डाई होती है, पॉली होती है, ठीक है। इसमें बहुत सारे हैं मीतू, हर चीज ट्रिक्स से याद नहीं होती बेटा, कहीं कहीं दिमाग का भी यूज करना पड़ता है। चलो खैर, उसका भी हम बताएंगे कि कौन कौन सी फैमिली इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आती ही आती है, ठीक है। चलो ए डेल्फस, ठीक है, दूसरा आप देख रहे हो सिनार्थरस हो गया, सिनेंड्रस हो गया। तो इसमें क्या है, इसमें आप देख सकते हो किस तरीके से फिलामेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे अगर मैं गुड़हल की बात करूं तो गुड़हल में तुम्हें एक लंबी सी लड़ी दिखती है, बस मोनोडेल्फस। अगर आपने देखा स्टेमिन एक ही लाइन से अरेंज है, अगर आपने नोटिस किया हो। डाइडेल्फस में आप मटर के पौधे में देखिए, ठीक है, और ज़्यादा देखना हो तो नींबू के पौधे में देखिए, सिट्रस में आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखेंगे, ठीक है। जिसमें फिलामेंट फ्री होते हैं आप सनफ्लावर को देखो, पम्पकिन को देखो, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पहचानने को कभी कभी आ सकता है। हेयर यू कैन सी द डायग्राम्स, देखो ये मोनोडेल्फस है, ये डाइडेल्फस है, ये पॉली है, खूब सारे दिख रहे हैं। ये देखो डाई है दो, ये आगे गुच्छा है, एक पीछे अकेला, मोनो मतलब एक ही गुच्छे में है, ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? बिल्कुल सानिया, बिल्कुल बेटा, सिलेबस तो सब में सेम रहता है सानिया, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी, कॉन्सेप्ट क्लियर करो बच्चा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ फिक्सेशन ऑफ एंथर, अब देखो कैसे फिक्स होते हैं, पहले ये डायग्राम देखो फिर हम वहाँ चलते हैं। देखो जैसे पहला हमारा है बेसिफिक्स्ड, बेसिफिक्स्ड मतलब हुआ फिलामेंट अटैच टू द बेस ऑफ द एंथर, देखो ये बेसिफिक्स्ड है, ये तुम्हारे लिए सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सानिया, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंथर की लोकेशन दिखाई गई किस तरीके से एंथर फिक्स होता है, तुम लोग देख सकते हो डॉर्सिफिक्स्ड ऐसा है, एडनेट, वर्सेटाइल, डाइवर्जेंट, डिस्ट्रेक्टाइल, देख रहे हो कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट हैं, यानी किस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंट भी देख सकते हो कि एंथर लोब सेपरेट, देखो दोनों आपस में सेपरेट हो गए, ठीक है। वर्सेटाइल भी देख सकते हो, फ्री स्विंग, फ्री बहुत आराम से फ्रीली स्टेज में है, ठीक है। एडनेट देख सकते हो, एंटायर लेंथ ऑफ द एंथर, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फोटो भी ले सकते हो
और दोबारा या तो इस वीडियो को देख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। कंडीशंस पता होनी चाहिए। मान लो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी, समझ रही हो सानिया, एक स्टेटमेंट दे दी, सपोज लिखा है कि व्हेन टू एंथलोप सेपरेट ड्यू टू इनलार्ज कनेक्टिव, चार ऑप्शन दे दिए, एडनेट, वर्सेटाइल, डाइवर्जेंट एंड डिस्ट्रक्टाइल। तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा ऐसा कंडीशन था जिसमें एंथर आपस में अलग अलग होते हैं, क्लियर है। तो तुमको पहचानना आना चाहिए, यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है, कि किस तरीके से एंथर का लोकेशन है, क्योंकि सब में अलग अलग होते हैं, ठीक है। नाउ गाइनोशियम, अब हम गाइनोशियम की बात करते हैं। वी नो दिस थिंग, गाइनोशियम यानी पिस्टिल। देखो बच्चों, चाहे गाइनोशियम बोलो, चाहे पिस्टिल बोलो, चाहे कार्पल बोलो, ये सब एक है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, पिस्टिल और कार्पल के नाम से आता है, आप लोग को समझ ही नहीं आता कि बुक के किस कोने से आ गया और गलत कराते हो। गाइनोशियम और पिस्टिल क्या है, इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। और ये क्या है, सबसे अंदर का पार्ट है, आपको पता है। और पिस्टिल है जो कि वन और मोर यानी एक से ज़्यादा कार्पल से मिलकर बनता है, ठीक है। अब जो गाइनोशियम होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं मेनली, एक होता है एपोकार्पस, एक होता है सिनकार्पस। एपो मतलब दे आर फ्री, सिन मतलब दे आर यूनाइटेड, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर कि एक गाइनोशियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वी नो दिस थिंग, गाइनोशियम विल कंटेन, गाइनोशियम कंसिस्ट थ्री पार्ट्स, थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा अभी बता दूंगी मितु, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीन होते हैं। स्टिग्मा जो होता है वो गाइनोशियम का सबसे इंपॉर्टेंट का पार्ट, सबसे ऊपर का पार्ट होता है ये वाला, ठीक है। स्टाइल एक कनेक्टिंग लिंक है। ओवरी आप सबको पता है, ओवरी ये पार्ट हुई, और ओवरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स हैं। अब बच्चों हमेशा ध्यान रखना, ये जो ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स का भी अरेंजमेंट अलग अलग है, ज़रूरी नहीं है सारे ओव्यूल्स सीधे लगे हों, समझ रहे हो। तभी एक टर्म है अपने बायो में जिसका नाम है प्लेसेंटेशन, सबने सुना है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी, किस तरीके से ओवरी में ओव्यूल्स लगे होते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आई गेस स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को एक्सप्लेन करने का कोई लॉजिक नहीं बनता क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि तीनों क्या हैं, ठीक है। स्टिग्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा। स्टाइल इज नथिंग, जस्ट कनेक्टिंग ट्यूब बिटवीन स्टिग्मा और ओवरी। ओवरी क्या है, इट्स बेसल पोर्शन, सबसे नीचे का है और जिसके अंदर मतलब बहुत सारे क्या है, ओव्यूल्स हैं, फाइन। अब बात करते हैं प्लेसेंटेशन की। अभी मैंने आपको बताया प्लेसेंटा बहुत टाइप का होता है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मार्जिनल है, एक्साइल है, ये सब आपने पढ़े हुए हैं, पेराइटल है, जस्ट अ मिनट, पेराइटल है, बेसल है, फ्री सेंट्रल है, और सब ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो नीचे के डायग्राम है ये सब ने कहीं ना कहीं पढ़े हैं। यानी कि ये मार्जिनल का डायग्राम है, जो मटर में आप देखते हो, दैट इज योर विच वन, मार्जिनल, एग्जाम्पल ऑफ मार्जिनल। दिस इज योर एक्साइल, दिस इज योर पेराइटल, दिस इज योर फ्री सेंट्रल एंड दिस इज योर बेसल। बहुत बहुत क्लियर तरीके से हैं चीजें। फ्री सेंट्रल यू कैन सी ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, यू कैन सी हियर इट इज प्रेजेंट इन द ऑन सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पेराइटल, तो पेराइटल यू कैन सी कि ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, ठीक है। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्साइल, एक्साइल भी आपको पता है। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पेराइटल, पेराइटल हो गया, फ्री सेंट्रल हो गया, बेसल, बेसल जान लो, द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड सिंगल ओव्यूल अटैच टू इट। मैं तो इसमें सब में एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक है। मार्जिनल और एक्साइल के बारे में यहाँ पे है, ठीक है। मार्जिनल आपने मटर में देखा है, यानी वर्टिकल लाइन है, वेंटर लगे हुए हैं लाइन से ओव्यूल्स, और प्लेसेंटा, ओव्यूल्स आर अटैच टू द मल्टी लोक्यूलर ओवरी, ये एक्साइल हो गया, ठीक है। ये बहुत कॉमन है, ये बहुत दिखता है, ये है मटर है, ये प्लेसेंटेशन सबने देखे होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक डायग्राम ऊपर बना हुआ है कि कैसा दिखता है ओवरी का क्रॉस सेक्शन, कैसा दिखता है, ठीक है। ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, फाइन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है।
इनफ्लोरेसेंस की बात करते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चले व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनफ्लोरेसेंस एंड प्लेसेंटेशन. सी बच्चों, जो प्लेसेंटेशन था दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इनफ्लोरेसेंस, सो हेयर दिस इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द एक्सिस ऑफ द प्लांट. किस तरीके से किसी एक प्लांट में कैसे फूल लगे हुए हैं उसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस. क्योंकि जब हम लोग भी बाहर निकलते हैं जनरली तो हम देखते हैं, हाँ बिल्कुल सही है मीतू, हम देखते हैं जनरली, हम जब बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि जो फ्लावर है वो कभी गुच्छों में लगे हैं किसी पौधे में, कभी सिर्फ एक निकला हुआ है, कोई कभी नोड्स और इंटर नोड्स है. ठीक है, क्लियर है? तो बहुत सारे होते हैं, फाइन. तो इट इज़ द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द एक्सिस ऑफ द प्लांट. ठीक है, तो द फ्लावर मे बी अरेंज्ड इन सेवरल डिफरेंट वेज इन डिफरेंट फ्लावर. दिस मैनर ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस. इज इट क्लियर? अगर आपसे कोई पूछता है इनफ्लोरेसेंस के बारे में बता लोगे? हम अभी टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस भी दिखा देते हैं कि टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस क्या होते हैं. वीडियो को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए. ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस देखो कितने सारे हैं. स्पाइक, फेनिकल, अंबल, काइम, देख लो कितने तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फ्लावर में लगे होते हैं. देखो कभी कभी ये पहचानने को आ जाता है, कभी डायग्राम बन के आ गया एग्जाम में, सानिया डायग्राम बन के आता है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस इज दिस. तो देखो पहचानो कि किस तरीके से अंबल में कैसे लगे हैं, काइम में कैसे लगे हैं, ठीक है, स्पाइक पे कैसे लगे हैं. तो इसका एक ही तरीका है, 3-4 बार इस वीडियो को देख लोगे अपने आप दिमाग में बस जाएगा कि कैसे अरेंजमेंट होता है. ये देखो, यू कैन सी किस तरीके से अरेंजमेंट है, देख रहे हो? समझ में आया मैं क्या कहना चाहती हूँ? कंपाउंड अंबल हो गया, कैपिट्यूलम हो गया, अंबल हो गया, कोरम हो गया, देख रहे हो कितना कितना. ये जो डायग्राम है इसको बहुत अच्छे से देखो क्योंकि सारी चीजें यहीं से आती हैं, आइडेंटिफाई करने को आएगा तो यही से आएगा. इज इट क्लियर सानिया? बस क्या करना, ये इसको लर्न करने का देखो एक ही तरीका है बच्चों, इसको मैं कोई ट्रिक से तो लर्न करा नहीं सकती. इसको तुम लोग कैसे लर्न कर सकते हो? मुश्किल से 1-2 बार वीडियो देख लेना, एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेना, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा कि फ्लावर का अरेंजमेंट अंबल में कैसा होता है, कंपाउंड में कैसा होता है. अपने आप, ट्रस्ट मी, अपने आप हो जाता है, अपने आप याद हो जाता है. इसको याद कराने की जरूरत नहीं है, जैसे हम लोग डायग्राम की प्रैक्टिस करते हैं ना, अपने आप याद हो जाती हैं चीजें. इज इट क्लियर एवरीवन? अब सारी चीजें क्लियर हैं, अब जल्दी जल्दी मुझे जवाब दो. इनफ्लोरेसेंस क्लियर है, प्लेसेंटेशन क्लियर है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रुशियम, गाइनोशियम, एनी डाउट? किसी में भी कोई भी डाउट है जल्दी से बताओ. सानिया एवरीथिंग इज क्लियर? सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, आई होप सो. गीता वेरी गुड, लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो, वीडियो तुम्हारे पास है, 1 नहीं 10 बार देखो, रात में देखो, दिन में देखो, जब मन करे देखो. ठीक है, फाइन. तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं 3 बजे. ठीक है, 3 बजे फिर से मिलते हैं. ध्यान रखना बच्चों एक चीज, 3 बजे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीईटी एग्जाम. तो जिन बच्चों ने महाराष्ट्र सीईटी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो, बेल बटन को दबाना मत भूलना, वरना तुम लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे. टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, कोई डाउट हो वीडियो देखते वक्त जब आप देखो तो यूट्यूब पे कमेंट करो, मैं देखूंगी, मैं आपको बता दूंगी अगर किसी भी तरीके की आपकी क्वेरी होगी. अदरवाइज मैं आपसे दिन में 3 बार तो मिलती ही हूँ. ठीक है, तो आप लाइव आके मुझसे पूछ सकते हो, डायरेक्ट पूछ सकते हो. इज इट क्लियर? यस. सो चलते हैं, और ठीक 3 बजे फिर से ज्वाइन कर लेना. ठीक है बच्चों, 3 बजे ज्वाइन कर लेना. यस, एंड रात की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आज रात में नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो रात वाली क्लास भी मिस मत करना, 9:30 वाली, और अभी 3 बजे वाली भी मिस मत करना. टाइम से आ जाना क्योंकि तुम लोग लेट हो जाते हो, टाइम से आ जाना. ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.